नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोलस्काई में आपका स्वागत है। राधाष्टमी का त्यौहार साल 2021 में 14 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन राधा जी की पूजा भगवान कृष्ण के साथ की जाती है। यह दिन भगवान कृष्ण और राधा जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष माना जाता है। वहीं इस दिन किए गए उपायों से आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं और राधा कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है तो राधाष्टमी के दिन अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की तस्वीर लगाएं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उसे पाना चाहते हैं तो आप राधाष्टमी के दिन राधा कृष्ण मंदिर में जाएं और वहां जाकर उन्हें पीले फूल अर्पित करें। यदि आप कुंवारी हैं और आपके विवाह में अड़चने आ रही हैं तो आप राधाष्टमी के दिन ओम ह्रीम श्रीम राधिकाए नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। अगर आप जीवन में अधिक मेहनत करते हैं और फिर भी आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप इस दिन राधा कृष्ण को वैजयंती माला अर्पित करें। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं तो आप राधाष्टमी के दिन ओम क्लीन कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा मंत्र का 5 माला जाप करें। अगर आपके जीवन में धन की कमी रहती है तो आप राधाष्टमी के दिन तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी।